गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप कैप्शन देखकर समझ करूँगी क्या है। सो आज मैं अपना हॉस्टल का टूर दिखा रही हूँ आपको कि हमारा हॉस्टल कैसा है। बहुत सारे अपने हॉस्टल देखे होंगे अच्छे अच्छे, ये भी कुछ सिमिलर है। तो हॉस्टल वैसे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं दिखने की बात करी मैं। सो जैसे मैं हल्द्वानी में हूँ और यहाँ मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, तो हमारे गर्ल्स में दो हॉस्टल हैं, एक पुराना एक नया। तो जो नया हॉस्टल वहाँ थर्ड ईयर वाले हैं, जो पुराना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत पुराना हॉस्टल है, बट आई डोंट नो कि कितना पुराना है, बट पुराना है। तो यहाँ तीन बैच है, फ्लोर में फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर फर्स्ट फ्लोर में, और फिर फोर्थ ईयर थर्ड वाले तो इधर है। तो हम फर्स्ट फ्लोर में तीन चार रूम ऐसे हैं जिसमें हम सीनियर्स रहते हैं फोर्थ ईयर वाले, तो क्योंकि जगह नहीं थी ऊपर इसलिए। सो मैं आपको हॉस्टल का टूर दिखा रही हूँ कि ये हमारा हॉस्टल है। तो यहाँ देखिए और एंजॉय करें हॉस्टल को, और सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस है और यहाँ से हम एंटर होंगे अपने हॉस्टल में। सो ये हमारा हॉस्टल है, बहुत हमारे तो दरवाजे बज रहे हैं यहाँ के। सो यहाँ पर ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ यूजली इवनिंग में जूनियर्स वॉक करते हैं, सीनियर्स छत पे करते हैं। तो मैं आपको अपने क्लास वालों का रूम दिखाती हूँ, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका रूम दिखाती हूँ। हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और एक इधर से है, तो हम यहाँ से जाएंगे। सो अभी हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं। सो मैं फर्स्ट रूम दिखाती हूँ मेरे दोस्तों का, जो है अवंतिका और निहारिका। दीदी सो रखी है क्या? अरे मैं वो कर रही, ब्लॉगिंग कर रही। यो बेबी, यो साफ़ ही तो होगा। हाय कोमल, ये आप पहली बार मिल होंगे, ये दादी औरों की दादी टीटी की नई रूममेट है। तो अपने रूम में दिखा क्या है, क्या ऐसे बैठ गए यार? तो वहाँ पे है ये अवंतिका, जो हमेशा सुस्ता ही रहती है, जो हमेशा सोई रहती है, और दादी कुछ ना कुछ काम कर ही रहती है। ये हमने दादी के बर्थडे में, मतलब निहारिका करासी के बर्थडे में दिया था। सो ये इनका पूजा घर है, बिल्कुल नहीं है वो, सब इसका है। इसकी वजह से थोड़ा रूम में भगवान क्या का वास है, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने, जो ऐसे सुस्त बाय बाय भाग यहाँ से। हाँ निहारी का करासी और भी रूम से आते, देखा होगा कि ऐसे भी रूम है। और अब चलते हैं हम खुशबू के रूम में। सो वो भी आप जानते होंगे, खुशबू या अर्चना भागो, सोच रहा हूँ बहुत अच्छी हवा आ रही है। इनके रूम में चलते हैं दोस्तों। हेलो आभा, यो बेबी, ये किसने बनाया? ये अर्चना ने बना रखा है, बहुत प्यारी सी। सो ये बना रखे उसने, कुछ ये कुछ करना बाकी है। ये पहले अर्चना ऐसे थी, जब से उसने शेविंग कराई वो थोड़ा ऐसे हो गई, अब सामने ऐसे है। मिस प्यारी खुशबू है, जिसके यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं। खुशबू अपने बच्चों को बता। ठीक है, हम बताते हैं आपको। ये मेरा सबसे फर्स्ट बेबी है, जिसका नाम है ढप्पू। हाय ढप्पू। हाँ सब हाय बोलो। इसका नाम है मिनी। हाय मिनी। इसका नाम है गन्नू। हाय गन्नू। थक जाऊंगी मैं, मगर सो लूंगी। इसका नाम है डोना। टीटी अभी आपने देखी होगी। या सो रखी है वो, यही है, क्योंकि बहुत सुस्ती है वो। इसको सबसे खराब मानते हैं हमारे ग्रुप में, पता नहीं क्यों, है ना? नहीं, बस आभा को पसंद है ये और मुझे पसंद है, बाकी सब इससे पता नहीं क्यों हेट करते हैं, इतना प्यारा सा तो नहीं। ये मेरा फेवरेट बेबी है, जिसका नाम है जूजू। मेरा भी फेवरेट है, मुझे नींद नहीं आती। मेरा फेवरेट बेबी, इसका नाम नहीं, सेकंड फेवरेट, इसका नाम है यूनी। इसको हम यूनिकॉर्न भी बोलते हैं ना, है ना? यूनिकॉर्न जैसे ना, नहीं। चलो, और ये है आभा। आभा जो
बहुत दिन भर बुक्स खोली रहती है, खाती रहती है, अभी खा रही है या खा खा के ही वो वैसी हुई है। मां माता जी, और ये फर्स्ट ईयर से परमानेंट रूममेट है या फर्स्ट ईयर से तीनों साथ में है, चाहे झगड़ते मरते रहते होंगे मगर तीनों साथ है। सो या वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, मंदिर है, मंदिर है इनका, यहाँ का मंदिर है तो ये सबसे अच्छा रूम है, हम तीनों रूम में से सबसे प्यारा रूम यही है। बाय बाय। सो मैं अब चलती हूँ अपने अपने असली रूम में, जो मेरा रूम है। प्लीज हंसना मत, जैसे भी है वैसे हम बहुत सुस्ती हैं, हम दोनों काम करने में सोचते तो बहुत कुछ है। सो ये चीज नॉक बिफोर एंटर, तो नॉक मेरा ही रूम है। सो ये डेंजरस वूमेन, ये हमारा रूम है। सो ये इसको इसको मत देखो, ऊपर वालों को देखो, वो पांडा है। और ये भी कुछ पांडा था मगर गंदा हो गया है। सो ये रोशनी का, इसका नाम है जॉनी, और ये है रोशनी जो पढ़ रही है, पढ़ रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। सीनियर्स ने कर रखा है ये क्रिएटिविटी, जो बहुत ऊपर ऊपर तक पहुंच रही मगर गायब हो गई। सो ये भी सीनियर्स की क्रिएटिविटी है। और ये है मैम, से हाय, से हाय। ये भी, सो ये हमारा रूम, और ये है मेरा कॉर्नर, ये है मेरा कॉर्नर। यहाँ पे बुक्स इसलिए नहीं है, ये मत समझना कि बुक्स नहीं है, यूट्यूब में हमें भी दिखाई आ रही हूँ तेरे वहां आ रही हूँ। सो बुक्स इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अभी एग्जाम खत्म हुए और फोर्थ ईयर की बुक्स जाने हैं। अभी आधी साफ हुआ है सब, बुक्स वुक्स ऐसी नहीं रहती है, ठीक है, वेब सीरीज चलती रहती है वो उनमें, ठीक है ना, ये सब दिखा हुआ है, वास्तविक से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे फेवरेट है। और ये हमारा ग्रुप है, मगर ग्रुप में बस रोशनी दिख रही है क्योंकि बाकी की सब मुंडी कट रखी है। और ये मेरा प्यारा सा शीनू है जिसे लालू बोलते हैं, और ये मेरे प्यारे से बेबीज है ये चार। इनके नाम बताती हूँ आपको दोस्तों, इनका नाम रोशनी बताएगी, इनके नाम बताऊंगी। अरे कैसे पकड़ रही हूँ मैं, अच्छे से पकड़। ये मेरा पिकाचू है, ये रोशनी ने बना रखा है। प्यारी दिख रही है, बंदर दिख रहे? हाँ बंदर नहीं हो, दिख रहा ना। हाँ ये राजेश, ये महेश, ये सुरेश, ये नरेश, तो आप लोग उसको प्यार से बोल सकते हो, राजू, मही, सुर्रू और नर्रू। ओके गाइस, हम अगली वीडियो में आपको इनका नाम पूछेंगे, इनके नाम याद। रोशनी कैसे पकड़ रही, अरे कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज विश करो कि ठीक हो जाए, इसका ऑपरेशन हो जल्दी जल्दी, लकवा हो गया ये देखो इसका एक पैर खराब हो गया है, तो ये भी बेड रेस्ट पे है, ठीक है। सो ये इसका कॉर्नर है। ये मेरी अलमीरा है, अलमीरा में तो क्या ही दिखाना, मगर ये है ऊपर सर्दी, उस बैग में सर्दियों के कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े हैं, यहाँ बुक्स है, ये सामान है, और नीचे शूज है। हम इस रूम में दो ही रहते हैं, और ये भी मैंने बना रखे हैं, कैसा लग रहा है, मैंने पहली बार कुछ बनाया। तो ये किचन बर्तन का सामान है, हाँ ये हमारे बर्तन है, ये किचन है, ये नीचे हमारा बाथरूम हो गया। अब मैं थोड़ा इनको छत दिखाती हूँ, हॉस्टल का छत। बाय बाय, हम चलते हैं छत पे। तो मैं ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अब मैं सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ आपको कैसा है। सो लेट्स गो। सो ये सेकंड फ्लोर की जाने के लिए सीढ़ी। सो सेकंड फ्लोर में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये सामने ऐसी है और एक उधर से भी ऐसी है। सो ये वो सामने है, मतलब ये स्क्वायर में है, ऐसा हॉस्टल ऐसे 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 जूनियर घूमते इस ग्राउंड में, और शाम को खेलते भी हैं बैडमिंटन, बंद क्या क्या खेलते हैं, मतलब खेलते ही हैं, और या वॉलीबॉल। ये हमारी पिंक्स है, प्यारी सी है, बस बहुत बीमार रहती है ये, इसके दुआ करना कि खूब खाई पिए, खाती नहीं है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। तो ये हमारा यहाँ पूरा फोर्थ ईयर रहता है, और या हम भी नीचे रहते हैं कुछ कुछ, यहाँ फोटो शूट चल रहा है, और ये छत है, यहाँ इवनिंग वॉक करते हैं शाम को। Thank you.
फोटो शूट चल रहा भाई। यहाँ बढ़िया चल रहा, बढ़िया बढ़िया चल रहा, बढ़िया। अरे इसकी भी खींच लो यार, कितनी प्यारी, सबसे प्यारी लग रही विनीता। पागल लग रही, मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ तुझे, मैं ऐसे देख रहा सूट सूट में। सो दोस्तों भाई तुम फोटोज खींचो, मैं घुमाती हूँ जरा, बाय बाय। सो ये इनका कूलर है सेकंड फ्लोर का, नीचे फर्स्ट फ्लोर का कूलर है और ये सामने गैलरी है, वैसी है पूरा स्क्वायर में। सो लेट्स गो, नीचे चलता है अपने रूम में। यह है वॉशरूम, एक उधर भी वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। यहाँ अरे हमारा रूम आ गया। तो ये हमारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी का हॉस्टल है, हॉस्टल है और हॉस्टल हॉस्टल ऐसे भी होते हैं। और आपने जैसे सोचा था, मुझे पता था पहले कि आपने क्या सोचा था कि हॉस्टल कैसे निकलेगा और क्या है, तो बहुत पुराना हॉस्टल है मगर बहुत अच्छे है अभी भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड चार बंदरों के नाम दे देना और याद कर देना, ठीक है दोस्तों। मुझे कमेंट में बताना किस किस को नाम याद हो गए और ये प्यार है यानी प्यार। सो Do subscribe, share, like, comment. So yeah, bye. Stay tuned, stay safe, stay home. So bye.